The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar dosto, main hoon Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, ek aur virus corona ke baad ab hanta ka naam suna hoga aapne. Hanta virus. ये क्या बला है, ये क्या चीज़ है? कई लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं और सोच रहे हैं पता नहीं अब क्या होगा अगर ये वायरस फैल गया तो. लेकिन इस वायरस के बारे में हम पहले से जानते हैं और ये वायरस बहुत रेयर है, खुद से रेयर वायरस है. जहाँ के कोरोना वायरस जो था वो कॉमन कोल्ड का वायरस था, तो वो ऑलरेडी ह्यूमन टू ह्यूमन काफ़ी हद तक पहला ही फैला हुआ था. सो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने वाला वायरस, ऑलरेडी ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने वाला वायरस डेंजरस हो ही सकता है. लेकिन हंटा वायरस जो है वो एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, जो कि ह्यूमंस में होता है रोडेंट्स यानी रैट्स से, चूहों से. सो चूहों से होने वाला ये इन्फेक्शन है और ये होता है जो अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइप के माइस, जिसको बोलते हैं माइस से, डियर माइस से और डियर माइस के अलावा और भी हो सकते हैं लेकिन सबसे कॉमनली होता है डियर माइस से. और ये होता है उनके यूरिन में, उनके फीसेस में. लेकिन ये उन चूहों को बीमार नहीं करता, राइट? दूसरा, हम बीमार हो सकते हैं अगर हम ऐसे कोई माइस या फीसेस जो जहाँ पर उनके ड्रॉपिंग्स, जहाँ उन्होंने ड्रॉपिंग करी है, जहाँ उन्होंने पॉटी करी है, वह उन पॉटी को अगर हम साफ़ कर रहे हैं और उसके ऊपर डस्ट लगी हुई है, मान लो पॉटी उसके ऊपर डस्ट है बहुत सारी और उसको जब हम साफ़ कर रहे हैं तो जो डस्ट उड़ती है वो हमारे सांस में अंदर चली जाए तो ठीक. तो ये कब होगा? रोज की सफाई करने वाले घरों में तो नहीं होगा. जब हम कोई ऐसा एरिया साफ करते हैं, सुनो समझो, ऐसी जगह साफ़ करते हैं जो सालों से बंद है, जो कई महीनों से बंद है, उसमें अगर कोई माइस रहता, कोई चूहा रहता है, वो चूहा वहाँ पे बढ़िया इकट्ठे करके, धूल मिट्टी पॉटी करके इकट्ठे करके रखा हुआ हो, उसको साफ़ कर रहे हैं और वो भी हमने बिना कोई प्रोटेक्शन यूज़ किए, बिना कोई मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे अंदर जा सकता है. वो भी शर्त है कि वो एरिया में ये चूहे को हंटा वायरस हो, जबकि हंटा वायरस पूरी दुनिया में नहीं है, राइट? चाइना में कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे यूएस में देखा गया है कभी कभार, लेकिन ये बहुत रेयर है, अपने आप में रेयर है कि चूहे को होगा, राइट? बिल्कुल जैसे हर कुत्ते को रेबीज नहीं होता, राइट, वैसे ही हर चूहे को हंटा वायरस नहीं होता. हुआ भी तो इसी सिलसिले में होगा, या फिर चूहे ने आपको काटा तो, या फिर कोई रेयर केस में वो भी रेयर है काटा, और रेयर केस में अगर आप चूहे की पॉटी या चूहे की सुसु को हाथ लगा के खुद ही को मुंह पे हाथ लगा रहे हो, भी इतना तो कौन करता है, या फिर चूहे का आधा खाया हुआ चीज़ खा रहे हो, भी मत करो भाई. सिंपल बेसिक्स ही ध्यान देना है, और क्या करना है. आपके पास आएगा ही नहीं. अगर फैलता भी है, वैसे तो नहीं फैलेगा जिसके चांसेस कम है, पर आज के दिन दुनिया में कुछ बोल नहीं सकते. नए नए वायरस म्यूटेट हो जाते हैं, इस वायरस का कोई भी हो, किसी भी वायरस का कोई भरोसा नहीं. सो इसीलिए बेसिक समझ लेना अच्छा है. नॉर्मली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता है, लेकिन एक ह्यूमन जो बहुत ज़्यादा सिक हो गया, ऑब्वियसली उसके पास में ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ सकते हैं. सो इससे होगा क्या, आप जब बीमार हो जाओगे, आपको कुछ हफ्ते लगेंगे, आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, अर्ली सिम्टम्स आ जा काफ़ी, मतलब 1 से 8 हफ्ते लग जाते हैं बीमार होने में. सो दैट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लंबा है, तो वो दैट इज़ अ डिफ़िकल्टी. इसमें आपको बुखार, चिल्स, मसल पेन्स हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, चिल्स, मसल पेन्स हो सकते हैं, और साथ में जब फैलने लगेगा तो एक लंबे समय के बाद में, अच्छे खासे समय के बाद, आपको ड्राई कफ और मसल पेन्स, हेड एक्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, नौजिया, वॉमिटिंग आएगा. और ऐसे में क्या है, टेस्ट जो होते हैं वो टेस्ट बेसिक सारे होते हैं, लंग का टेस्ट, लंग के पैनल, फिजिकल एग्जामिनेशन, किडनी फेलियर के पैनल, ब्लड टेस्ट, किडनी का ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा आपका, ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, आपकी स्किन ब्लू होने लगेगी, आपके ब्लड टेस्ट होंगे हंटा वायरस के प्रेजेंस के लिए साइंस होंगे, एंटीबॉडी टेस्ट होगा, सेम वे जैसे हम टाइफॉइड के लिए टाइफी डॉट करते हैं, सेम वे जैसे हम वायरसेस के लिए PCR करते हैं, उसके लिए भी किया जा सकता है, CBC कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल, किडनी लिवर टेस्ट, एक्सरे, CT स्कैन छाती का, ये सब किया जाता है.
कायदे से हंटा वायरस के पेशेंट को अस्पताल में आईसीयू में तब भर्ती कर लेते हैं जब कंफर्म हो जाता है, और फिर उसको ऑक्सीजन, ब्रीदिंग ट्यूब या कभी कभी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशल दवाइयों के ऑक्सीजन के अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अल्टीमेटली हंटा वायरस हो या कोई भी वायरस हो, मारेगी आपकी इम्यूनिटी। तो हेल्दी रहिए, इम्यूनिटी पे ध्यान दो। अगर इम्यूनिटी का नहीं पता आपका कैसा है तो इम्यूनिटी बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करो, समझो कैसे काम करता है। कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट हर रोज खाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर खाओ, रोज़ की एक्सरसाइज, नींद अच्छी करो। राइट, हंटा वायरस हो या कोई भी वायरस हो, घंटा आपके पास नहीं आएगा अगर आप प्रॉपर काम, प्रॉपर हेल्दी रहोगे। सिर्फ बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो करनी है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को फॉलो करते रहना है कि भी अभी क्या 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 रिकमेंडेशन आ रही है। न्यूज़ चैनलों से घबराना नहीं है, एक दो तो छोटी मोटी न्यूज़ को फैला फैला के डरा देते हैं और कुछ नहीं। राइट, सो जी हाँ, ये डेंजरस वायरस है हंटा वायरस। 38% तक इसकी मॉर्टेलिटी रेट है, लेकिन प्रिवेंशन पॉसिबल है, बहुत ईजी है। प्रिवेंशन के लिए क्या है, साफ पानी पियो, साफ जगह पे सो और घर को साफ रखो, बस। जिन घर पे साफ है वहां हंटा वायरस होगा नहीं, वहां पे इतना कोई टेंशन ही नहीं है। राइट, सो ऐसी नेस्टिंग प्लेसेस, ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स को साफ करने वाले, अगर पेस्ट कंट्रोल में कोई काम करता है, वो मास्क पहन के करे, प्रॉपर अपना प्रोटेक्शन पहन के चले। कोई भी अनयूज्ड कैबिन यूज कर रहे हो, अगर आप मान लो कोई एरिया है, कोई घर में ऐसी जगह है, ऐसा रिकमेंडेशन है सीडीसी का कि अगर कोई रिकमेंड कोई घर में बंद जगह है जो आपने खोली नहीं है काफी टाइम, तहखाना है और व्हाटएवर, तो वो कैबिन, शेड, अदर बिल्डिंग, तहखाना, उसके क्या करो, जाओगे खोल रहे हो तो पहले तो प्रोटेक्शन पहन के जाओ, उसके बाद डोर्स और विंडोज सारे ओपन कर लो और उसको रख दो वैसे के वैसे। ये पूरे वर्ल्ड की बात है, इंडिया में तो वैसे है ही नहीं, मगर फिर भी पूरे वर्ल्ड के जो लोग देख रहे हैं, जो समझते हैं, वो समझे कि उसको 30 मिनट्स के लिए सारे डोर्स और विंडोज ओपन करके रख दें। राइट, और क्या करें, आप 30 मिनट्स के बाद आए बिल्डिंग पे और उसके ऊपर जो सरफेसेस हैं उस पर आप स्प्रे कर दें डिसइनफेक्टेंट, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। राइट, आपका ब्लीच वाला डिसइनफेक्टेंट या 70% अल्कोहल वाला डिसइनफेक्टेंट आप डाल सकते हैं उसमें, और उसको भी 30 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद में अगर कोई लग रहा है कि ये एरिया है, यहाँ पे माउस यानी यहाँ पे ये रहते हैं, चूहे रहते हैं, तो उस एरिया के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हो 10% सोल्यूशन क्लोरीन ब्लीच का, ब्लीच का 10% सोल्यूशन या उसके जैसा कोई डिसइनफेक्टेंट, और उसको भी 30 मिनट के लिए वहां छोड़ दो। फिर रबर ग्लव पहनो या प्लास्टिक मटेरियल पहनो, और जो भी आपका आता है ऐसा कोई रोडेंट या ऐसा कोई पकड़ते हो आप किसी भी उसकी पॉटी को, इसको अच्छे से बंद करके, सील बैग में बंद करके आपने फिर जाके फेंकना है। ग्लव्स को भी फेंक दो, क्लीनिंग मटेरियल को भी धो दो या फेंक वैसे के वैसे रख दो, वेरी सिंपल, क्लीनिंग मटेरियल को धो के रख दो, वैसे कर सकती, डिसइनफेक्टेंट स्प्रे करके। राइट, ये आपका रिकमेंडेशन आता है। और अगर कोई भी पोटेंशियल कंटेमिनेटेड हार्ड सरफेस है तो उसको भी आपने डिसइनफेक्टेंट सॉल्यूशन से स्प्रे करना है। तो आज से बस इतना ही ध्यान में रखना है, घर की सफाई करते रहनी है, डिसइनफेक्टेंट स्प्रे करते रहना है, और कोई भी चीज हो, कोई हंटा हो, कोई घंटा हो, कोई कोरोना हो, आपके पास नहीं आएगा। राइट, और अपने प्रोटेक्शन के लिए अपना ध्यान रखना है, ठीक है। और पोटेंशियली अगर कोई ऐसी जगह मान लो पता चली जाती है कि जहां हाँ है, इस घर में है हंटा वायरस, तो फिर उसका फिर वैक्यूम ट्रीटमेंट, उसका फिर फ्यूमिगेशन, वो सब होता है। हैवी इन्फेक्टेशन अगर है आपके घर में, बहुत सारे चूहे हैं, तो फिर चूहे के लिए पेस्ट कंट्रोल कंपनी को कॉन्टैक्ट करें और पेस्ट कंट्रोल करवा लेना बेहतर होता है। फिर बहरहाल अभी के डेट में तो आप ही को करना पड़ेगा, पेस्ट कंट्रोल अभी तो होगा नहीं, फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, व्हाटएवर। आगे चल के जिंदगी में आपने ध्यान रखना है कि घर में चूहे हो या चूहों की कोई भी ये हो, तो किसी भी प्रकार की बीमारी से बचने का एक ही तरीका है, हेल्दी रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए। राइट, जहां होगा गंद वहां पे होगी प्रॉब्लम, ठीक। धन्यवाद, डरिए मत, फॉलो करिए, इसको फैलाइए, नॉलेज को फैलाइए, उल्टी सीधी वीडियोस मत देखिए। राइट, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अपने बच्चों को, अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, हेल्थ एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ एजुकेशन बेसिक्स सारे हेल्थ के आपने पढ़ने भी है, उनको पढ़ाने भी है, और सही जगह से पढ़ने हैं। राइट, CDC, WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, उसकी वेबसाइट्स को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, गुड डे।